वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स कमेंटेड ऑन वन ऑफ माई वीडियोज अ फ्यू डेज बैक कि भैया मेरा एक फ्रेंड है जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके टेस्ट में मुझसे बेटर मार्क्स आ रहे हैं, ही इज़ डूइंग फास्टर प्रॉब्लम्स देन मी, मुझसे बेटर क्वेश्चंस कर रहा है, मुझसे बेटर बुक्स कर रहा है और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा हूँ. सो वॉट टू डू अबाउट इट, शुड आई बी वरीड अबाउट माई फ्रेंड्स परफॉर्मेंस, क्या करना चाहिए? और आई एम श्योर अ लॉट ऑफ जेई एस्पिरेंट्स हैव दिस क्वेश्चन और इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम एनी कॉम्पिटिशन, ये फीलिंग है काफ़ी बच्चों को आती है कि मेरा फ्रेंड मुझसे आगे बढ़ रहा है, क्या करूँ भाई. तो आज हम इस बारे में बात करेंगे. एंड इफ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम वन एंगल, इट सीम्स वेरी ऑब्वियस दैट यू शुड बी जेलस ऑफ योर फ्रेंड्स इफ दे आर डूइंग गुड. क्यों? क्योंकि जेई एक जीरो सम गेम है. अगर एक बंदा जीतेगा तो दूसरा बंदा हारेगा भी. तभी मतलब अगर आपने IIT की सीट कैप्चर कर ली, यानी कि लाखों बच्चों को सीट नहीं मिली है, ऐसा थोड़ी है कि सब बच्चों को मिल जाएगी, राइट? सम हैज टू लूज इन ऑर्डर फॉर सम टू विन. और अगर आपका फ्रेंड जीत गया देन यू आर लूजिंग, राइट? तो सोचने में तो ऐसा लगता है, बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग रीजनिंग. वाई? आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है. हाउ बिग इज योर फ्रेंड सर्कल? इट कुड बी एट मैक्स 10-20 पीपल. ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग होंगे ना जिनके साथ तुम सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो कि यार हम उनके साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं, साथ में पढ़ते हैं. मतलब बैच साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, बैच तो 500 के भी होते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन आपका एक्टिव डिस्कशन ग्रुप कितना बड़ा है? ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लोग, राइट? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर उन 10-12 लोगों की ऑल इंडिया रैंक 1-12 लगातार आ गई, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक तुम्हारे सारे फ्रेंड्स की आ गई, क्या तुम्हारे लिए सीटें खत्म हो गई क्या IIT की? क्या तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 13 अब नहीं मिल सकती? क्या ऑल इंडिया रैंक 13 बेकार है? क्या तुम IIT बॉम्बे CSE में नहीं जा सकते? क्या तुम IIT दिल्ली में अब नहीं जा सकते? क्या तुम NIT ट्रिची में नहीं जा सकते? जा सकते हो. देयर आर सो मेनी सीट्स विच आर स्टिल लेफ्ट. ओके, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप बहुत ही हाइपर लोकल कॉम्पिटिशन कर रहे हो. ऑल इंडिया लेवल पर 1,000,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, जिनमें से चलो ठीक है सीरियस एस्पिरेंट्स अगर हम 2-3 लाख भी मान लेते हैं, तब भी 12, 13, 14, 50 पीपल आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कॉम्पिटिशन. अगर आपका पूरा बैच फर्स्ट भी आ जाएगा तब भी आपके पास इतनी सारी सीट्स बची है विच यू कैन कैप्चर. हम कई बार छोटे कॉम्पिटिशन के चक्कर में बड़े कॉम्पिटिशन को भूल जाते हैं, ठीक है? ये वही है डिवाइड एंड रूल वाली तो चीज़ है कि आप आपस में ही अपने सिटी लेवल, अपने कोचिंग लेवल, अपने फ्रेंड लेवल पर इतना ज़्यादा बिजी हो कॉम्पीट करने में कि आप ओवरऑल अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे हो. और फिर जब ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा जिसमें लाखों बच्चे बैठेंगे, तब आपके ये छोटा मोटा कंपटीशन मैटर नहीं करेगा, तब आप शायद हार जाओगे. आई रिमेंबर वंस जब मैं 11th क्लास में था और मेरा फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग था, तो मेरे घर के पास में एक बंदा रहता है जो अब शायद IIT मद्रास में, ओके, वो मेरा बैचमेट था और अच्छा था वो भी पढ़ने में. तो हमारे सर ने हम दोनों को साथ में ड्रॉप किया उस दिन हमारे घर पे, ठीक है? वो इधर आ रहे थे किसी काम से, तो उन दोनों ने हमसे बात की जेई रिलेटेड कि अरे ऐसे ऐसे पढ़ना, 11th की एकदम स्टार्टिंग की बात थी, ओके. एंड ही सेड वन थिंग कि कल्पित तुम है ना कम्पीट मत करना, मतलब तुम दोनों कम्पीट मत करना आपस में, तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करना, इट विल बी मोर बेनिफिशियल. एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि यार ये क्या बोल दिया, इसका कोई सेंस था इस बात का? कम्पीट नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? बट ही वॉज करेक्ट. अ मच बेटर अप्रोच देन कम्पीटिंग वुड बी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर एक दूसरे को मोटिवेट करो, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करो, एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे बैच के अंदर किसी के रैंक ऊपर नीचे हो जाए फाइनली, लेकिन तुम सबकी रैंक ओवरऑल उठेगी. और ऑल इंडिया लेवल पे मैटर नहीं करता है कि तुम्हारे अंदरूनी कंपटीशन में कौन जीता, व्हाट मैटर्स इज कि तुम सब एक साथ जीते. आई नो सुनने में बहुत अजीब लगता है, अरे पॉजिटिव लगता है, लेकिन ये बात सही है कि बेटर क्या है कि तुम सबके सब लोग नीचे रह जाओ या तुम सबके सब लोग ऊपर उठ जाओ. भले ही तुम हो सकता है मतलब इवन इफ लेट्स से कि तुम्हारे बैच 50 लोगों का है और तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 50 आई, ओके, और तुम्हारे सारे बैचमेट्स तुमसे ऊपर है, तो एक तरह से तो तुम हैप्पी हो गए या सैड हो गए कि तुम्हारे बैच में लास्ट रैंक है या ऑल इंडिया 50 रैंक है. यू शुड बी हैप्पी, राइट? वर्सेस तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 50,000 आई और तुम्हारे सारे बैचमेट्स की रैंक 1,00,000 के अंडर आई, तो इसमें तुम तुम्हारे बैच में नंबर वन आ गए, तुम्हारी सिटी में नंबर वन रैंक है, लेकिन उस रैंक का कोई मीनिंग हुआ नहीं, ओके? तो लोकल कॉम्पिटिशन ना करें, बड़े लेवल पर सोचें, एक दूसरे के फ्रेंड्स की मदद करें. अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो टॉप कर रहा है, जो बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में, देन टॉक टू हिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट ही इज डूइंग, वॉट इज सो डिफरेंट अबाउट हिम, वो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कौन सी बुक्स कर रहा है, कोई डाउट हो तो उससे क्लियर करो. और ऐसा नहीं कि केवल सेल्फिश फ्रेंडशिप बना के रखनी है, अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करो, ओके? इवन एक बात मैं बताता हूँ, कई बार आपने सुना होगा कि कई फ्रेंड्स एक साथ एक ही IIT में जाते हैं और फिर आगे उनकी बहुत अच्छी कॉलेज में भी एक साथ उनका सब कटता है. और मेरे भी यहाँ पे उदयपुर में काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो IIT बॉम्बे के अंदर ही आए थे, तो हम लोग साथ में वहाँ पे कभी कभी कनेक्टेड रहते थे, तो अच्छा लगता था थोड़ा, राइट? सो मेक श्योर कि आपके जो लोकल फ्रेंड्स हैं, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, कोचिंग फ्रेंड्स हैं, या जो आपके मतलब इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आप कॉम्पिटिटर की तरह ना यूज़ करो, एज अ टीममेट यूज़ करो, क्योंकि ये बैटल इंडिया लेवल पर है.
आप लोकल लेवल पर फाइट करोगे, सब हार जाओगे, कोई भी नहीं जीतेगा। ओके, सो डू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, है ना। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे, वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स इज एक्चुअली मी। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट योर जेई प्रिपरेशन। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, बहुत सारी वीडियोज में बनाऊंगा, लाइक करना मत भूलना। एंड इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद योर कोचिंग, क्वेश्चन में सवाल नहीं होते हैं आपसे, 500,000 क्वेश्चन कर करके थक चुके हो, पूरी तरह से पक चुके हो और प्रिपरेशन में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, देन डू चेक आउट एकेडमी बूस्ट एज वेल, जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। वहां पे तुम्हें जे की प्रिपरेशन कराई जाती है इन अ सफिशियंट मैनर, जे एडवांस में जितना चाहिए उससे 10% ज्यादा। ऐसा नहीं कि आपको ओवरलोड किया गया विद अननेसेसरी अमाउंट्स ऑफ क्वेश्चन विच आर नॉट इवन इन द सिलेबस, लाइक मोस्ट कोचिंग्स डू। प्रमोशन ऑफ टॉक्सिक कॉम्पिटिशन, ये सब चीजें वहां पे नहीं की जाती है। आपको एक बहुत ही हेल्दी तरीके से लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उनको जब चाहे देख सकते हो और इससे आपका काफी सारा टाइम सेव होगा। सो डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे ज्यादा डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी। तुम सभी टारगेट ईयर्स के लिए कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जितनी वैलिडिटी चाहिए तुम ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग, एंड इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू, आई एम श्योर ऑफ इट। क्योंकि तुम्हारा ये जो भी जितना भी प्रॉब्लम है ना, ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है कि इतना सारा मटेरियल है करे कैसे, वही प्रॉब्लम हमने एलिमिनेट कर दी है। ओके, तो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और सब्सक्राइब लाइक करना, जो भी तुम्हारे थॉट्स है कमेंट कर देना। एंड द बॉटम लाइन वॉज, डोंट कम्पीट एट द लोकल लेवल, कम्पीट करना है नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे एक दूसरे की सब हेल्प करना। ओके, थैंक यू।